Run. गाइस पेन तो आप लोग भी चलाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारा जो पेन है वो कितना दूर चलता है? मतलब कि मान लो यहां से शुरू करें और चलाते जाएं तो ये कितना दूर चलेगा, कितना दूर चलने के बाद में खत्म होगा, मतलब कि कितने मीटर चलेगा या कितने किलोमीटर चलेगा, है ना इंटरेस्टिंग आइडिया। तो आज हम लोग यही टेस्ट करने वाले हैं। पेन को एक एंड से शुरू करेंगे, लंबा चलाते जाएंगे, फिर देखते हैं कि कितना दूर चलता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग इस आइडिया के लिए एक लाइक जरूर से कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे 5 रुपए के पेन का, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पेन यूज किए जाते हैं। तो एकदम फ्रेश पेन मैंने निकाला है। और भाई पेन कहाँ चलाएंगे हम लोग, एक रोल का यूज करेंगे। देखो हमारे पास में काफी सारे रोल्स हैं यहाँ पर, और क्या करेंगे कि रोल को नीचे बिछा करके उसके ऊपर चलाएंगे पेन, फिर नाप लेंगे एक रोल की लंबाई की ये कितना है, और फिर देख लेंगे कितने रोल्स लगते हैं। तो फटाक से शुरू करते हैं और पेन को चलाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस रोल को जो है खोल लेता हूँ, ठीक है। इस रोल को खींचना, धीरे धीरे खींचो। तो भाई यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, खींच ले चलने दे अब। तो यहाँ पर देखो रोल जा रहा है पीछे की तरफ, और थोड़ा आराम से भाई, हाँ चलने दे थोड़ा आराम से, बीच में झटका आ जाता है नहीं तो। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर देखो कि कितना फास्ट ये पेन चल रहा है। ओ बस। तो भाई साहब जो हमारा पहला रोल है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। देखो वो कहाँ पहुंच गया, और जो पेन की इंक है वो थोड़ी सी कम हुई है, लगभग 5 mm कम हुई है। तो अब जो है हम लोग दूसरा रोल इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज्यादा रोल की कमी पड़ी तो डबल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसे स्ट्रिप की लंबाई नाप लेते हैं कि ये कितना लंबा है, क्योंकि सारे स्ट्रिप इतने लंबे होने वाले हैं। इसको यहाँ पकड़ो। तो भाई अब हम नापते हैं ये कितना लंबा है, आ जा। तो भाई ये हो रहा है 17.30 यानी कि 47 मीटर एक रोल के अंदर है। तो अब पेन जो बचा हुआ है उसको भी चलाते हैं। आठ रोल खाली हो चुके हैं, लेकिन भाई जो पेन है वो अभी भी चल रहा है। आने दो और आने दो, मतलब हमने जो है रीयूज कर लिया रोल्स को, तो कुल मिलाकर के 8 बार 47 मीटर हो चुका है। तो भाई साहब हम लोग इसको 12 बार जो है रोल्स को चला चुके हैं, और अब जाकर के आप लोग देख सकते हो कि पेन जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। लेकिन भाई साहब ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पेपर ना वेस्ट करते हुए हम जो है सिंपली कैलकुलेट ही कर लेते हैं। भाई साहब परेशान हो गए यार, इसको खींचते खींचते 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, आई थिंक 1.5 घंटा हो गया होगा। तो स्केल दो मुझे अब। तो भाई हमारे रिफिल को रखते हैं इस स्केल के ऊपर, और इसके अंदर पहले 10 सेंटीमीटर था, मैंने नापा हुआ था, और अभी इसमें बचा है भाई 4.2 सेंटीमीटर इंक बची हुई है। थोड़ा इधर लगाते हैं, इसमें बची हुई है 4.4 देखो यहाँ पर, और 5.6 जो है खत्म हो चुकी है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना ही चल चुका है। तो भाई 12 बार हमने पेन को चलाया, एक रोल था 47 मीटर्स का, तो टोटल हो गया 564 मीटर्स, और ये जो है 5.6 सेंटीमीटर इंक खर्च हुई है इसमें। तो अब जो है बाकी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना और चल सकता था ये। तो भाई इस हिसाब से ये जो है 444 मीटर और चलता, तो कुल मिलाकर के हो गया 564 प्लस 444, तो टोटल हो गया 1008 मीटर। तो भाई साहब ये होता है 1 किलोमीटर, 1.008 किलोमीटर। तो भाई जो इतना सिंपल सा पेन दिखता है वो चल सकता है 1 किलोमीटर,
और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस तरीके से लाइनें खींचना अलग है और पेन को जब हम लिखते हैं ना तो तब चलाना अलग है। मेरे हिसाब से जब हम इसको पेपर पे चलाते हैं कुछ लिखते हैं तो ज्यादा इंक खर्च होती है, क्योंकि उसमें एक तो पेन आराम से चलता है, फिर घूम घूम के चलता है तो ज्यादा इंक आती है। लेकिन अब जब हमने सीधी लाइन खींची तो शायद थोड़ी कम इंक लगेगी, तो यहाँ पर ये रिजल्ट वेरी कर सकता है काफी ज्यादा। लेकिन हमारा जो टेस्ट रहा है उसमें सामने आया है कि अगर सीधा चलाया जाए नॉर्मल तरीके से तो जो हमारा पेन है वो 1 किलोमीटर 1008 मीटर चलाए। तो भाई साहब कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक जरूर से बनता है। भाई साहब हमको यहाँ रोड पर 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं ये सब करते हुए, तब जा करके ये इतनी सी चीज सामने आ पाई है, तो लाइक जरूर से कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वो बेल आइकन दबा लो यार, बहुत लोगों ने नहीं दबाया, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी वीडियो डालेंगे।